आज जो बजट जारी हुआ है संसद भवन में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बजट है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कहीं भी इस पूरे बजट में कहीं ना गरीबों की कोई बात हुई है, ना कहीं किसानों की बात हुई है। किसान का बजट घटाया गया है, किसान हित में जो बजट आते हैं, जो पीएम केयर फंड का जो किसान निधि सम्मान का था उसमें भी उनको घटाया गया, मनरेगा का भी घटाया गया। लगातार अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, जीडीपी लगातार 27वें महीने निचले स्तर पर है, तो कहाँ सरकार कुछ कर पा रही है। पूर्ण रूप से बजट फेल है। और जहाँ तक आप देख रहे हैं, लगातार डीजल महंगा हो रहा है, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दामों में अभी पिछले महीने बढ़ोतरी हुई है 50 रुपये की। लगातार गिरता हुआ स्तर ये मालूम हो रहा है कि बजट पूर्ण रूप से विफल है। और जो हमारी मंत्री हैं सीतारमण जी, वो भी बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या नाम है, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। और इस बजट में कहीं भी कोई ऐसा बात नहीं कहा गया जिससे कि कहीं गरीबों और किसानों का हित इसमें देखा गया हो।